नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगबीर की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ मंडेला की लड़ाई को भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गांधी की लड़ाई के बराबर दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है कि जैसे भारत में जाति भेद है, वैसे ही पश्चिम में रंग भेद है। शायद कहने वालों का आशय यह होता है कि हर समाज में भेदभाव का कोई न कोई अनिवार्य रूप अस्तित्व में होता ही है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो क्या यह सिर्फ जाति भेद है? रंग भेद नहीं है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है, क्योंकि भारत भी रंग भेद से अछूता नहीं है। भारत में इसका अपना अलग ही स्वरूप है, क्योंकि लिंग भेद से जुड़कर यह और भयानक हो जाता है। विदेशी रंग भेद से भारतीय रंग भेद इस मायने में अलग है कि विदेशों में काले रंग का भेदभाव स्त्री और पुरुष दोनों के साथ समान रूप से होता है, परंतु भारत में काले या सांवलेपन को खास तौर से स्त्रियों के संदर्भ में देखा जाता है। प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी और लेखिका व उद्योगपति प्रभा खेतान की आत्मकथाओं से पता चलता है कि किस प्रकार सांवले रंग ने उनके बचपन में जहर घोला, जिसका असर उनके पूरे व्यक्तित्व पर जिंदगी भर रहा। भारतीय समाज में लड़कियों के लिए सांवला रंग किसी शारीरिक अपंगता जैसा ही बड़ा अभिशाप है। रंगभेद के संबंध में चर्चा करने पर मंडेला और गांधी जी का नाम स्वयं सामने आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को मिटाने वाले नेल्सन मंडेला का अपने देश में ही वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी का है। जहां मंडेला ने रक्तहीन क्रांति द्वारा अफ्रीकी लोगों को उनका हक दिलाया जो अहिंसात्मक था, वे समस्याओं का निराकरण बातचीत के द्वारा करते थे, वही महात्मा गांधी भी रंगभेद के मुखर विरोधी थे। आज के दिन यानी 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ मंडेला की लड़ाई को भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गांधी की लड़ाई के बराबर दर्जा प्राप्त है। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अभूतपूर्व योगदान देने वाले नेता यशवंत सिन्हा का आज के दिन 6 नवंबर 1937 को पटना में जन्म हुआ था। यशवंत सिन्हा का जन्म आज के दिन 6 नवंबर 1937 को पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम विपिन बिहारी शिरन था और उनकी माता का नाम धन्ना देवी था। उनकी पत्नी का नाम नीलिमा सिन्हा है और उनके बेटे का नाम जयंत सिन्हा है। यशवंत सिन्हा पढ़ने, बागवानी और लोगों से मिलने तथा अन्य कई क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते हैं। वे व्यापक रूप से देश दुनिया में घूमे हुए कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधि मंडलों की अगुवाई कर चुके हैं। उन्होंने देश की ओर से कई वार्ताओं एवं आदान प्रदान में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। यशवंत सिन्हा ने प्राथमिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल और पटना यूनिवर्सिटी में 1958 में राजनीति शास्त्र में अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। इसके बाद में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक इसी विषय की शिक्षा दी। यशवंत सिन्हा 1 जुलाई 2002 तक वित्त मंत्री बन रहे। इसके बाद विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ उनके पद की अदला बदली करती गई। अपने कार्यकाल के दौरान सिन्हा को अपनी सरकार की कुछ प्रमुख नीतिगत पहलू को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी की गई। फिर भी सिन्हा को व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़ता पूर्वक विकास पथ पर अग्रसर हुई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार अपनी संजीदगी भरी अदाकारी से सभी के दिलों पर ऐसे छाप छोड़ देते हैं कि कोई भी एक बार उनकी फिल्म देखने के बाद भूल नहीं पाता था। शोले, सीता और गीता, आंधी, अंगूर से 70 और 80 के दशक तक काम करने वाले अभिनेता संजीव कुमार का आज के दिन बेहद कम उम्र में निधन हो गया था। संजीव कुमार को दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए अवार्ड दिया गया था। संजीव में खास बात थी कि वे अपनी उम्र से भी ज्यादा उम्र के किरदार बड़ी ही सहजता से निभा लेती थी। संजीव को हमेशा मौत का डर सताता था, वे मरना नहीं चाहते थे। संजीव कुमार को अंदाजा था कि उनकी कम उम्र में ही मौत हो जाएगी। महज 47 साल की उम्र में संजीव कुमार ने आखिरी सांस ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजीव कुमार जिस परिवार से ताल्लुक रखते थे, वहां मर्द 50 से ज्यादा जी नहीं पाते थे। इस बात से संजीव कुमार परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि वे भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि संजीव ने मन में हेमा मालिनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने
उन्होंने हेमा को प्रपोज भी किया था, लेकिन खबरों के अनुसार उन्होंने मना कर दिया था। संजीव कुमार ने अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजारी, वे अपनी जिंदगी से मायूस हो गए थे। कहा यह भी जाता है कि वे डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसके बाद 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।